आज की जो वीडियो होगी उसमें फाइट थोड़ी सी कम होगी, फाइट ना के बराबर होगी। हम एक थोड़ा सा देखने वाले हैं कि फेक वेब जो फेक लॉन्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाइयों, क्या वो वर्थ इट है लेना या नहीं है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे को गलत कलर भेज दिया है भाइयों। इसको मैंने पर्पल एडिशन मंगाया था, ये 400 रुपये का पड़ा है मेरे को। और देखना ये है कि 400 रुपये का एक फेक लॉन्चर फायदा करेगा या नुकसान करेगा, मतलब क्या ये वर्थ इट है इनको लेना। भाई अभी तो बहुत ज़्यादा टाइट है ये, नाइस। इतना तो ओरिजिनल होता है ना, जो ये ओरिजिनल वगैरह ये भी इतने जल्दी वो नहीं करते भाई, अपने आप को वापस रिट्रैक्ट नहीं करते। ये देखो, बल्कि मेरे पास एक और था ना न्यू वाला जो पावर लॉन्चर, वो भी नहीं करता यार इतनी जल्दी, तो जितना जल्दी ये कर रहा है तो रिट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है इसका। अब देख लेते हैं इसकी क्वालिटी। तो गाइस ये कुछ इसका सीन है, स्क्रीन इसको हम यूज़ कर सकते हैं बाद में, क्योंकि मेरे को चाहिए ये वाला पार्ट, मेरे वाले का टूट गया एक लॉन्चर का इसलिए, बट बाकी सब ठीक है। ओके नॉर्मल भाई, सब सेम से ही पार्ट होते हैं इनके, बट जो इसके अंदर जो होता है स्प्रिंग वो होता है मेन दिक्कत इनकी, जो कि थोड़े टाइम बाद में ही ख़राब हो जाता है। मैक्सिमम ये 2 दिन चलता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आज हम यही देखेंगे भाइयों। इससे हम लॉन्च करेंगे थोड़े हैवी लॉन्च बेब्लेड्स और देखेंगे कि उनको कैसे लॉन्च कर पाता है ये, क्या ये सही में एक अच्छी चॉइस है या फिर नहीं है, ये हमको देखना पड़ेगा गाइस। और ये भाई ये नहीं हो रहा, कोई इसमें लगा लेते हैं, हाँ ग्रिप में लगा लेता हूँ ताकि मेरे को इजी रहे लॉन्च वगैरह करने में, ठीक है। तो गाइस ये 2 लॉन्चर्स हैं, इसमें थोड़ा सा नीचे पावर लॉन्चर लगा हुआ है, मेरे पास वो वाला पार्ट नहीं है, नहीं तो मैं वो वाला लगा देता यार। तो मेरे को ये देखना है कि ये इससे बेटर है या नहीं, ठीक है। उसके लिए हम सिंपली 2 बेब्लेड्स लॉन्च करेंगे और देखेंगे उनका स्पिन टाइम कि कितना देर वो स्पिन करते हैं। उसके बाद हम करेंगे इसको हैवी बेब्लेड्स लॉन्च इससे और देखेंगे कि ये सर्वाइव कर पाएगा या फिर ये टूट जाएगा, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ गाइस, जो भी चैनल पे नया आया भाइयों, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो और मजे लेते रहो भाइयों, क्योंकि ऐसा ऐसा कंटेंट हम लाते रहते हैं, थोड़ा सा बेब्लेड से रिलेटेड, थोड़ा सा पोकेमोन से रिलेटेड, ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों। ओके तो हम यूज कर रहे हैं बेब्लेड ये वाला साइक्लोन भैया। और गाइस ये तो पहली ट्राई में टूट गया भाई, एक मिनट रुक जाओ। ओके इसकी क्वालिटी अभी मेरे को शक हो रहा है कि ये नहीं चलेगा भाई, ज़्यादा देर नहीं चलेगा ये, रुको। ठीक है मैं इसको अभी टाइमर ले आता हूँ। बॉस प्रिगन लॉन्च करेंगे, वो वाला थोड़ा ज़्यादा स्पिन करता है और इतना टाइम क्यों बर्बाद करना हमको, थोड़ा सा छोटी वीडियो करेंगे और जल्दी से देखते हैं क्या कुछ सीन रहता है, ठीक है। 3, 2, 1 हो जाए। ओके देखना होगा, इस बार लॉन्च अच्छे से कर दिया, पहली ट्राई बेकार निकली, उसके बाद थोड़ा सा ठीक कर रहा है लॉन्च, देखेंगे कब तक लॉन्च करेगा अच्छे से। मैं हैवी बेब्लेड्स लाया हूँ साथ में, सबको लॉन्च करेंगे और ऐसे ही रैंडम फाइट भी कर देंगे थोड़ी बहुत। 20 सेकेंड्स 22 सेकेंड्स, देखो इसमें गियर लगा हुआ है इस वाले में, तो इसके 2 सेकेंड हम रिड्यूस कर देंगे, 2 से 3 सेकेंड, उसके बाद देखेंगे कि कितना बेटर है ये इससे, ठीक है, समझ गए ना। ओके तो अभी हो चुके हैं 40 सेकंड्स के आसपास और बस प्रिगन शायद 50 सेकंड चलेगा इस लॉन्चर से, ठीक है भाई ये भी अच्छी बात है। और हाँ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो यार, क्योंकि अभी बहुत मस्त मस्त कंटेंट आने वाला है भाई। मैंने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है इस बार, पता नहीं क्यों, बट ज़रूरी था इसलिए मैंने लगा दिया। पूरा एक मिनट चला है ये, देखते हैं अब पावर लॉन्चर से कितना चलेगा। ओके इन 3, 2, 1 हो जाए। सॉरी पावर नहीं है ये, पावर और नॉर्मल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ये भी देख लेंगे भाई। याद रखना इसकी 3 सेकंड माइनस करनी है, बट मेरे को लग रहा है ये 3 सेकंड भी क्या करेगा, ये चलेगा ही नहीं 1 मिनट से ज़्यादा शायद, तो हो सकता है।
जो फेक बेबलेट फेक लॉन्चर्स होते हैं ना गाइस, वो थोड़े से पावरफुल तो होते हैं लेकिन ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं वो, ये सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी, बस यही एक कमजोरी है और तो क्या ही कहूँ मैं। और हाँ, ये मेरे ख्याल से 1 मिनट भी शायद ना टिक पाए, देखेंगे। कम ऑन कम ऑन, तोते उड़ा दे। ओके, मुश्किल से 50 सेकेंड शायद कर दिए भाई, 50। नाइस, 50 हो गए, 50 हो जाएगा, 1 मिनट भी हो जाएगा। हो गया 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 हो गया। ओके गाइस, 1 मिनट 4 सेकेंड, 5 लगा लो क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, और उसमें से 3 माइनस करोगे तो लगा लो भाई 1 मिनट 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड इसने एक्स्ट्रा लॉन्च किया है ओरिजिनल वाले ने इससे, फेक वाले से। ठीक है, तो ये कुछ सीन था। अभी थोड़े हैवी लॉन्चर्स, हैवी वेबलेट्स लॉन्च करके देखते हैं इससे। ये आ गया हमारा इंडियन देसी वेबलेट, इसकी फाइट करेंगे हम बर्स्ट फ्रीगन से। कम ऑन बर्स्ट फ्रीगन ब्रो, तोते से उड़ा दे। फिर हम एक्सकैलिबर को भी ले आते हैं बीच में, और आने दो भाई, सिस्टम हिलने दो सबका, कोई दिक्कत नहीं है। और बस प्रिगन हारते हुए, एक्सकेलियस भी हारते हुए, विनर है इंडियन बेबलेट, और ये अभी भी चल रहा है। नाइस, अब मैं करूँगा 4 बेबलेट्स लॉन्च, इस बार तो होना चाहिए कुछ तड़ा, देखते हैं। इस चिचा को करो लॉन्च, इस चिचा को करो लॉन्च, इस चिचा को मत करो लॉन्च, बट कर देते हैं। बस प्रिगन को भी कर देते हैं। अरे यार शिट, बस प्रिगन नहीं हो पाया बस। ओके, थोड़े से और हैवी वेबलेट लेते हैं गाइस। ये तो कर दिए इसने लॉन्च, मुझे नहीं लगता इसको मेरे को लॉन्च करना चाहिए, बट कर लेंगे, तो ट्राई कर लेंगे भाई, करना नहीं चाहिए यार, वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, हर एक लॉन्चर को ही कर देता है ये, तो फिर क्या ही बताऊँ इसका, तो ये कोई अलग पहाड़ से तो उतरा नहीं है। ठीक है, ये है हमारे स्पार्कलिंग कॉम्बो, कम ऑन स्पार्किंग को गो को गो। अरे कुछ हुआ ही नहीं यार स्पार्किंग जैसे। ठीक है, ओ भाई बारूद जैसी स्मेल आ रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, एक बार और करेंगे, इस बार हम इसकी फाइट करेंगे डीमन किंग से। भाई बहुत हैवी है ये। अरे यार डीमन किंग फाइट नहीं करना चाहता, फिर भी हम कराएंगे गाइस। बेचारा हमारा डीमन किंग काफी देर से सुस्त पड़ा है, काफी दिनों से सुस्त पड़ा भाई, इसकी फाइट ही नहीं कराई हमने काफी, अब कराएंगे भाई, डीमन किंग वापस आएंगे अभी दोनों के दोनों। ये भी भाई साहब, ये मेरी मेहनत है गाइस, ये किसी जैपनीज बच्चे की मेहनत है, बट उसको भी मैंने रीडिजाइन किया तो वो भी मेरी मेहनत है। ओ नाइस, ये भी मेरी मेहनत है, ये भी मैंने रीडिजाइन किया गाइस, जीत गया ये भाई डीमन किंग से। अरे ओके, एक बार और करेंगे, अभी डीमन गोड से करेंगे, ये डीमन गोड तो लॉन्च ही नहीं हो रहा इससे गाइस, सिस्टम हैंग, नहीं हो रहा भाई डीमन गोड इससे लॉन्च, इसके जो ये हैं ये अच्छे से काम नहीं कर रहे, नहीं तो डीमन गोड तो भाई इस अनबीटेबल है, कोई नहीं जीत सकता इससे, ये देखना हो ही नहीं रहा लॉन्च। हो गया, इस बार होगा फुल स्पीड लॉन्च भाई, डीमन किंग में प्रॉपर बैरिंग ड्राइवर है, प्रॉपर कहते हैं ना जो, वो वाला बैरिंग ड्राइवर है इसमें, ये देखो आवाज भी वही कर रहा है भाई बैरिंग ड्राइवर वाली। डीमन गोड को हराना नामुमकिन है गाइस, नामुमकिन है भाई, कोई बेबलेट पैदा नहीं हुआ जो इसको हरा पाए भाई, मेरे को गलत साबित मत करना यार मेरे 3-4 दिनों की मेहनत है, ये जीत गया गाइस, ये पूरा प्रॉपर बैरिंग ड्राइवर के साथ। उसके बाद हमारे पास है 500 ग्राम वाला, मुझे नहीं पता इसको लॉन्च भी कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा, ट्राई कर लेते हैं, कर दिया यार, नाइस डीमन गोड। ओ भाई चिंगारी सी उठी थी, क्यों चिंगारी उठी थी गाइस, मेटल से मेटल टकराएगा चिंगारियां उठेंगी, वो वाला सीन है।
इसका एक चीज कर सकते हैं हम इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, ये जो फ्री स्पिन है इसको हटा सकते हैं, अब इसको परमानेंट ये कर सकते हैं हम। बताओ करूं या ना करूं? अगर मैंने इसको परमानेंट ऐसे कर दिया, ये जो इसको लॉक कर दिया, तो ये पूरी पावर के साथ लॉन्च होगा, बट उसके बाद मुझे नहीं पता ये कितना बढ़िया बनेगा, वो भी देखेंगे गाइस। ठीक है, तो भाई अभी तक ये टूटा नहीं है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छे से चल जाएगा। कम ऑन यार। तो भाई अभी तक पावर भी कोई लूज वगैरह मैंने फील नहीं करी है इसकी, और क्या ही बोलूं, अच्छा है यार ये, पता नहीं कितने दिन चलेगा, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा है, अभी के लिए अच्छा है, बट इसको मैं एक दो दिन की फाइट में और यूज़ करूँगा, और तब प्रॉपर इसका रिव्यू बताऊँगा मैं कि इसको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई 400 रुपये में यार ये, और ये हम खरीदने जाएंगे, ये वाला कुछ 1500 रुपये कुछ का मिलेगा, और जो पावर लॉन्चर है वो 2500-3000 का मिलेगा, इससे अच्छा है भाई हम, यस हाँ इससे अच्छा है हम वैसे ही कर लें भाई, इसको ही ले लें, अगर ये अच्छे से काम करता है तो, चलता है तो, लेकिन मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा देर चलेगा। ओ हाँ, हमने इसको लेफ्ट स्पिन तो ट्राई नहीं किया गाइस, कर लेते हैं एक बार लेफ्ट स्पिन भी ट्राई, देखते हैं कितना लेफ्ट स्पिन में, एक फेक बेलब्लेड्स में एक साइड वाला कमज़ोर होता है, तो ही देख लेते हैं। नहीं ये भी ठीक है, बढ़िया यार ये भी, बारी आई भी द डिस्ट्रॉयर। यो आई बी वर्सेस फैफनियर, क्या लगता है गाइस कौन जीतेगा? मेरा वोट जाता है फैफनियर को, बट मैं आई बी हमारा क्रिएशन है गाइस, धोखा नहीं दे सकते उसको, तो आई बी भी जीत सकता है, बट फैफनियर अपना स्पिन स्टीलिंग दिखाते हुए बहुत ही अच्छे से, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे गाइस हम। तो ये लॉन्चर लेफ्ट भी अच्छे से लॉन्च कर रहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा है भाई, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना चल जाएगा ये, नाइस। और आई बी द डिस्ट्रॉयर हारने वाले हैं हमारे बेचारे फैफनियर से, कम ऑन डिस्ट्रॉयर ब्रो। शायद आई बी द डिस्ट्रॉयर जीत गए हैं, मुझे नहीं पता, बता देना कमेंट्स में, हम करते हैं वीडियो को एंड गाइस, बाय बाय।